देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। चोरों का तांडव। जनपद कासगंज सिद्धपुरा कोतवाली के नगर क्षेत्र के दो घरों में चोरों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की और मकान मालिकों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहली घटना डुमरी रोड स्थित सुदामा नगर में राम सेवक के घर में बदमाशों ने देर रात्रि घुसकर नकदी व सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। दूसरी घटना सुभाष नगर उत्तर स्थित सिपाही लाल गोस्वामी के मकान की है, जहां बदमाश जीने के किवाड़ तोड़कर अंदर प्रवेश हुए, उसके बाद बंद कमरे के गेट तोड़कर घर में मौजूद महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट के साथ छेड़छाड़ भी की। मारपीट के बाद बदमाश 2 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद लगभग 3:30 बजे घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उम्बीर है। उम्बीर, जो आपके साथ घटना घटी कैसे, क्या है? रात को 1 बजे करीब बदमाश घर में घुस गए थे, करीब 8-10-11 लोग होते। उन्होंने आकर मारपीट की और हमारे घर से ज्वेलर्स और नकदी जेवरात लेके चले गए। हमने कोशिश भी की, हमको 4-5 आदमियों को मार के फोड़ दिया। कुछ लोगों को अंदरों भी चोट है, वो भी घर पे पड़े हुए। हम 5 लोग तो फोड़ ही दिए उन्होंने और लेकर जेवरात फायर करते हुए भाग गए। वो कितने लाख रुपए का ज्वेलर, मतलब करीबन मान लो 1.5-2 लाख रुपए नगद था और ज्वेलर्स थी 4 बहुओं की ज्वेलर्स, लगभग मान लो 2-2.5 लाख के ज्वेलर्स भी होंगे। कितने लोग होंगे लगभग? मैं नीचे 7-8 लोग थे, ऊपर छत पे होंगे। जब भागे तो 10-11 लोग नजर आ रहे थे, वो फायर करते हुए निकलते चले गए। वो और हमने 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन 100 नंबर हमारी कॉल रिसीव नहीं की। कौन से थाने का मामला है ये? सरपड़ा थाने की बात है। हाँ, अगर मेरे सामने वो पड़ जाएंगे तो पहचान लूंगा, कुछ देखे हुए भी मेरे। खेती का मामला सामने आया हुई है कस्बे में ही। रात में कुछ बदमाश आए थे घर में और वहाँ कुछ लूट के ले गए हैं, लेकिन एक नाटकीय मोड़ ये आया है कि वे लोग बता रहे हैं कि उस घर में एक बहू की हत्या हुई थी, उसमें नामजद हुए थे ये लोग। अभी उस परिवार के कई लोग जेल में हैं, वो जेल से छूट के आने वाले थे। घर के लोगों का ये मानना है कि वो बदमाश वास्तव में बदमाश नहीं थे, जो औरत बहू मरी थी उसी के मायके वालों ने ये हरकत की है। और अगर वो जेल से छूट के वाकई आ गए होते और वो कल रात पा लिए होते उनको, तो शायद उन्हें मार भी देते। इसलिए लूटपाट का न हो करके रजिस्ट्रेशन बदला लेने की नियत से घटना होना बताया जा रहा है, लेकिन अब मुकदमा कायम करके हमारी छानबीन जारी है। जैसे तब सामने आएंगे उस तरह आगे कार्रवाई। रहतास कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार।